ऐसा लगता नहीं है। मैं ठीक, जितना मचलाएंगे बजरंग पुनिया उतना ही प्रभाव दिखाएंगे और अंक अर्जित करेंगे। हालांकि अभी कुछ रह नहीं गया, जितना कैनेडियन रेसलर अटैक कर रहे हैं, लगातार अटैक कर रहे हैं, लेकिन बजरंग पुनिया काउंटर अटैक पे ध्यान देखिए, कुश्ती का नजारा ही कुछ और है। ये नजारा अब गोल्ड मेडल में परिवर्तित होने वाला है प्रभु। छठा गोल्ड भारत की पहुंच में है और बजरंग अभी तक लेग अटैक नहीं करने दे रहे हैं को। उल्टी गिनती शुरू कीजिए, कितने सेकंड बाकी हैं? 1-2 पॉइंट और बजरंग पुनिया को उस टीम डाउन के 7 पॉइंट की लीड। 2 सेकंड से कम का टाइम बाकी और छठा गोल्ड मेडल भारत का बजरंग पुनिया ने दिलवाया है, कुश्ती में दिलवाया है, रेसलिंग का पहला गोल्ड मेडल। मुबारक बजरंग। बिल्कुल, हम जैसी बात कर रहे थे, अंतिम सेकंड में भी बजरंग पॉइंट लेने से नहीं चुकेंगे और बजरंग ने अपना नाम के अनुकूल अपना प्रभाव दिखाया है, स्वर्ण पदक जीता है। अपना स्वर्ण पदक डिफेंड कर लिया है बजरंग ने। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का छठा गोल्ड मेडल, 20वां टोटल मेडल भारत को मिल चुका है 63 किलोग्राम भार वर्ग में। बजरंग पुनिया भारत के लिए गोल्ड मेडल सुनिश्चित करने में कामयाब। गोल्ड कोस्ट में इन्होंने गोल्ड जीता था और